हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू बिगनर टू मास्टर चैनल ऑफ अन अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, यहां पर आप एक्सेस कर सकते हो अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम द इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट क्रैक इट, लेट क्रैक यूपीएससी सीएसई विद अन अकेडमी। दोस्तों, अन अकेडमी के ऊपर मिलती है हमको डेली लाइव क्लासेस, अन अकेडमी के ऊपर मिलती है हमको डेली लाइव क्लासेस, डेली लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, डेली लाइव क्लासेस, डेली लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, और वो भी स्ट्रक्चर्ड मैनर में, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, और सबसे इंपॉर्टेंट है अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस के साथ हमको सारी चीजें मिलती हैं। बस करना क्या होगा हमको, हमको यहाँ पर अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर से, अगर आप एंड्रॉइड यूज करते हो, या फिर ऐप स्टोर से अगर आप आईफोन यूज करते हो, तो अपने मोबाइल फोन में आपको डाउनलोड करना रहेगा। इससे क्या होगा कि इससे कि आप इंडिया के जितने भी टॉप मोस्ट एजुकेटर्स है उनसे उनकी गाइडेंस आप पा सकते हो, उनसे आप पढ़ सकते हो। दोस्तों, मेरा नाम अमित मोदी है, मैंने बीटेक किया है केमिकल इंजीनियरिंग में, 4 बार मैंने सिविल सर्विस का प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस किया, 2 बार इंटरव्यू भी दिया है, और 2008 से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अनअकैडमी पर ये है मेरा प्रोफाइल, आप इस पर मुझे फॉलो कीजिए। जैसे ही मेरा कोई भी सेशन फ्री लाइव सेशन अटेंड आप कर सकते हो यहाँ पर, इसको मेरे को फॉलो करके। और ये है मेरा अनअकैडमी पर टेलीग्राम चैनल, आप इस पर मुझे फॉलो कीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स, पीडीएफ्स एंड एक्सेट्रा, लॉट्स ऑफ थिंग्स। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में। आज हम लोग जैनिज्म और बुद्धिज्म पढ़ेंगे हमारे इस के सेशन में। दोस्तों, कॉम्प्रिहेंसिवली हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिवली, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू प्रिपरेशन हो, चाहे ऑप्शनल कोर्सेज हो, आंसर राइटिंग कोर्सेज हो, हर चीज हमको मिल जाती है एक सब्सक्रिप्शन से अन अकेडमी के ऊपर, एक सब्सक्रिप्शन से अन अकेडमी के ऊपर। प्लस और आइकॉनिक, ये दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। प्लस में डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड द स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, ये मिलता है। 12 मंथ्स का कोर्स है, फीस है 49,500, अमित मोदी रेफरल कोड है, जैसे ही ये कोड यूज करोगे 10% का आपको यहाँ पर मिल जाएगा डिस्काउंट, 44,450 ये पेबल फीस रहेगी आपके लिए, 2 ईयर 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए 64,800, 3 ईयर के लिए 81,000। ईएमआई ऑप्शन में भी आप लोग ऑप्ट कर सकते हो, इजी ईएमआई ऑप्शंस अवेलेबल है, नो कॉस्ट ईएमआई पर। यस दोस्तों, तो ये आप ऑप्ट कर सकते हो, इसमें आपका पूरा कोर्स, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों चीजें कवर हो जाएंगी। दोस्तों, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लस के फीचर्स तो है ही, इसमें साथ ही साथ में आपको एक पर्सनल कोच, डेली क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर एंड द पर्सनलाइज्ड फीडबैक, ये आपको मिलेगा। 12 मंथ का जो कोर्स है वो रहेगा आपका 69,500 का, अमित मोदी रेफरल कोड यूज करते ही आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, 62,550 ये 1 ईयर का, 96,300 ये 2 ईयर का, 1,26,000 ये 3 ईयर का आपका कोर्स रहेगा अमित मोदी। बस खाली आपको एक रेफरल कोड यूज करना भर रहेगा, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब चीजें आपकी यहाँ पर कवर हो जाएंगी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग, ऑप्शनल कोर्सेज, यस भैया, ऑप्शनल के लिए भी आप अलग से सब्सक्राइब कर सकते हो, 12 मंथ का कोर्स रहेगा, 27,500 फीस है, अमित मोदी रेफरल कोड यूज करते ही 10% का डिस्काउंट, 24,750 ये पेबल होगी फॉर द 1 ईयर। दोस्तों, अनअकैडमी पर एक गेमिफाइड वर्जन है, इसमें आप फ्री में एनरोल कर सकते हैं, फ्री में आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अमित मोदी ये रेफरल कोड यूज करना है। दोस्तों, 6 मंथ्स बचे हैं हमारे प्रीलिम्स एग्जाम में, प्रीलिम्स 2021, 27 जून 2021 को हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, और इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग लेकर के आ रहे हैं आपके लिए एक 6 मंथ्स का अल्टीमेट बैच। यस भैया, जीएस का फुल कवरेज अलॉन्ग विद द सीसेट, प्रीलिम्स टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, टेस्ट सीरीज भी रहेगी, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज रहेगी, पूरा स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा, डेडिकेटेड आउटगोइंग सेशंस एज वेल एज द इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको मिलेगा। 28 दिसंबर से चालू हो रहा है। बस करना क्या होगा आपको, अमित मोदी रेफरल कोड यूज करके आपको प्लस का ये सब्सक्रिप्शन लेना रहेगा, दैट्स इट। ओके दोस्तों, 6 मंथ कोर्स, 1 ईयर कोर्स, 2 ईयर कोर्स, तीनों टाइप के कोर्सेज हैं, फॉर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में ये बैचेस शुरू हो रहे हैं, एज वेल एज बायलिंगुअल बैचेस भी यहाँ पर शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप जो है यहाँ पर इनको एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों, प्राइस हाइक होने वाला है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, तो इससे पहले कि प्राइस बढ़े आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए,
भैया, जिससे कि आप क्या होगा, अपने पर्सनल कोच के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, उसके साथ मेंस की टेस्ट सीरीज भी साथ ही साथ में पैरेलल ही आप मेंस की तैयारी भी कर सकते हो कस्टमाइज स्टडी प्लानर के साथ। तो दोस्तों ये है स्पेशल फ्री क्लास। यस, जितनी भी फ्री लाइव क्लासेस होती हैं, फ्री लाइव क्लासेस अनअकैडमी के ऐप के ऊपर, वो भी आप अटेंड कर सकते हो फ्री में। बस आपको करना क्या होगा, ऐप डाउनलोड करके अमित मोदी ये एक नाम डाल करके आपको जो है, आप मेरी सारी जितनी भी क्लासेस हैं, मेरी का बाकी और भी एजुकेटर्स हैं उनकी भी क्लासेस आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। बस खाली आपको ये कोड डालना रहेगा, आपको सिर्फ ये कोड डालना रहेगा। ये इंडियन आर्किटेक्चर का एक कोर्स है, 21 दिसंबर को ये क्लास हुई थी। तो दोस्तों लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद अनअकैडमी। और जैसा मैंने कहा दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में। तो ये पार्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं ग्रीट करता हूँ अरे प्यारे प्यारे लर्नर्स को। लर्नर्स कैसे हैं आप सभी लोग? यस भैया, वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय ग्रेट लर्नर्स। यस भैया, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में। बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये 600 BC के अराउंड, 600 BC के अराउंड इंडो गंगेटिक बेसिन में, यानी कि नॉर्दर्न इंडिया में, जब महाजनपद राइज हो गए, तब जाकर कि ये रिलीजन जो है ये डेवलप होना शुरू हुए 6th सेंचुरी BC में। जैनिज्म और बुद्धिज्म मेन रिलीजन थे। तो देखा जाए तो 62 रिलीजियस सेक्ट्स इस पीरियड में इमर्ज हुए। 600 भैया, हमने दिया दिखा था वैदिक एज कब से शुरू होती है, 1500 BC से वैदिक एज स्टार्ट हो जाती है, और जो चलती है 600 BC तक, 600 BC तक। यहां पर हमने एक चीज ये भी देखा था हमारे पुराने लेक्चर्स में, पुराने सेशंस में, कि यहां पर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यस, वर्ण सिस्टम ये एस्टैब्लिश हो जाता है। यहाँ पर ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये चार जो क्लासेस हैं ये एस्टैब्लिश होना शुरू हो जाती है। ब्राह्मण्स की एगेमनी एगेमनी एस्टैब्लिश होना शुरू हो जाती है। ब्राह्मण्स जो है क्या होता है, ब्राह्मण्स, यस, ब्राह्मण्स जो है वो प्रीस्ट, यस भैया, वो मेजर जो सेक्रीफाइसल या रिचुअलिस्टिक हेड बन जाते हैं। शूद्रा और विमेन्स जो है, इन सब से जो है राइट्स इनसे वापस ले लिए जाते हैं, उनको रिचुअल करने का किसी भी तरीके का एजुकेशन राइट्स नहीं होता। और इसी बीच में, इसी सिनेरियो में 62 नए रिलीजियस सेक्ट्स इमर्ज होते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, नॉर्दर्न इंडिया में। और उनमें से दो हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है। यस, दीज आर द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ये जैसे ही इमर्ज होते हैं सोसाइटी में इन द 6th सेंचुरी BCE में, ये जैसे रिलीजन इमर्ज होते हैं, ये एग्जिस्टिंग रिलीजन को, यस, एग्जिस्टिंग सोशियो रिलीजियस हैबिट्स को ये रिफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, किसके अगेंस्ट में आते हैं, सबसे पहले जो वैदिक रिचुअल्स है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, ये चीज लॉस्ट देयर मीनिंग। यस भैया, बहुत सारे जितने भी सेक्रीफाइसेस जो लोग कर रहे हैं वो अपना मतलब खो देते हैं। तो इसके अगेंस्ट में जैनिज्म और बुद्धिज्म का ग्रोथ होता है। कास्ट सिस्टम काफी ज्यादा रिजिड हो चुका है इस टाइम पर। भले ही 4 वर्ण थे, भले ही 4 वर्ण थे, लेकिन यहाँ पर रिजिडिटी आ जाती है। सबसे टॉप पर है क्षत्रियास। कौन है? क्षत्रियास। उसके बाद है ब्राह्मण्स, उसके बाद है वैश्य, ठीक है, उसके बाद है वैश्य, और उसके बाद है शूद्र। ठीक है, ये चार क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, यस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क ये इमर्ज होना शुरू हो जाती है, और यहाँ पर सुप्रीमेसी स्टैब्लिश होती है ब्राह्मण्स की। यस, इससे अनरेस्ट फैलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय और ब्राह्मण्स, यस, यहाँ पर क्योस, थोड़ा सा क्योस आना शुरू होता है। कौन रहेगा सुप्रीम? ठीक है, क्षत्रिय बोलेंगे मैं रहूंगा, ब्राह्मण्स बोलेंगे मैं रहूंगा, बिकॉज भैया ब्राह्मण जो है वो स्पिरिचुअल हेड है ना, यस, वो सारे जितने भी रिचुअल्स हैं वो सब कैरी कर रहे हैं, है ना, जी, सेक्रीफाइसेस करवा रहे हैं किंग से, पर किंग कह रहा है कि भैया आपको जो भी मिल रहा है वो हमारी वजह से मिल रहा है। तो यस भैया, मैं सुप्रीम, या मैं सुप्रीम की कहानी चल रही है, उसके कारण सोसाइटी में क्योस होना शुरू हो जाता है। शूद्र और वेमेन्स के जो राइट्स हैं वो जो है साइडलाइन कर दिए जाते हैं। ठीक है, संस्कृत जो है ये बहुत ज्यादा रिलीजियस टेक्स्ट लिखना शुरू हो जाते हैं, एलीट का लैंग्वेज बनना शुरू हो जाता है, जो कि मासेस से दूर होना शुरू हो जाती है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है ये यहाँ पर स्टैब्लिश होना शुरू हो जाती है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज ये स्टैब्लिश हो जाती है इधर। ठीक है, ये चीज क्लियर है।
ठीक है। तो यहाँ पर ये जैनिज्म और बुद्धिज्म के ये कॉजेस हैं, इनके कारण ही जो है ग्रोथ स्टैब्लिश होती है इन द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बुद्धिज्म के बारे में। ठीक है, किसके बारे में स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला बुद्धिज्म के बारे में। भैया बुद्धिज्म जो है ये एक रिलीजन जो है वो बुद्धा ने स्टैब्लिश किया था। दिस रिलीजन वॉज स्टैब्लिश बाय द बुद्धा। ठीक है, तो हम बुद्धा की लाइफ के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा उनका बायोडाटा देख लेते हैं। तो बुद्धा जो है इस रेम वॉज सिद्धार्थ, हिज ओरिजिनल नेम वॉज सिद्धार्थ, उनके फादर का जो नाम था वो था सुद्धोधन, और वो शक क्लैन के रूलर थे। तो भैया इससे क्या हुआ, बुद्धा जो है ये किसको बिलोंग कर रहे हैं? क्षत्रिय कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं। किसको बिलोंग कर रहे हैं? क्षत्रिय कम्युनिटी को ये बिलोंग कर रहे हैं। मदर का नाम है महामाया, मदर का नाम है बुद्धा की ओरिजिनल मदर का नाम है महामाया। यस, और इनको बर्थ देने के बाद इनकी मदर की डेथ हो जाती है। वाइफ का नाम है यशोधरा, और बुद्धा के जो सन है उनका नाम है राहुल, और बुद्धा के कजिन है मिस्टर देवदत्त, जो बुद्धा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। बुद्धा की गोत्र की अगर हम बात करते हैं तो उनका गोत्र है गौतम, और बुद्धा का चैरियटर यानी कि रथ जो चलाते हैं उनका नाम है चन्ना, और घोड़े का नाम है कंठक, घोड़े का नाम है कंठक। बुद्धा इज ऑल्सो नोन एज शाक्यमुनि, शाक्यमुनि या तथागत इनको कहा जाता है। तथागत का मतलब होता है पर्सन हु हैज रीच्ड द ट्रुथ, द पर्सन हु हैज रीच्ड द ट्रुथ। इनका बर्थ बुद्धा का होता है 563 BC में एट अ प्लेस कॉल्ड लुम्बिनी, यस कपिलवस्तु, ना अभी नेपाल में है प्रेजेंट इट इज, ठीक है कपिलवस्तु। और इसका नाम क्या है? वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, वैशाख के महीने की, यस भैया हिंदी का कैलेंडर में है वैशाख का महीना होता है, उसमें जो पूर्णमासी डे होती है पूर्णिमा होती है। यस, यहाँ पर भैया अगर आपको कुछ याद आता हो तो यस, ऑपरेशन बुद्धा याद है? ऑपरेशन बुद्धा क्या था? ऑपरेशन बुद्धा, यस, हु इज गोइंग टू टेल मी? ऑपरेशन बुद्धा है ना, यस, स्माइलिंग बुद्धा इसको बोलते हैं वैसे, है ना। यस, हमारा पहला न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन किया गया था पोखरण में, है ना, पोखरण में 1978 में, और वो बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन ही हुआ था, इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम जो है बुद्धा के ऊपर रखा गया। मैंने क्या कहा आपको कि बुद्धा के जो फादर हैं वो शक रूलर हैं, यानी शक डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। शक क्लैन जो है ये रिपब्लिकन जो है डायनेस्टी है। ठीक है, उनकी जो मम्मी है यानी कि उनकी जो मदर है महामाया, शी बिलोंग टू द कोसलन डायनेस्टी, कोसला की वो प्रिंसेस है। ठीक है, ये चीज जो कि 7 डेज के बाद बुद्धा को जन्म देने के 7 डेज के बाद इनकी डेथ हो जाती है, और यस बुद्धा की फिर मैरिज कर दी जाती है 16 ईयर्स की एज में यशोधरा से, और उनका हैप्पीली 13 ईयर्स का हैप्पीली मैरिड लाइफ वो लीड करते हैं विद अ सन नेम्ड राहुल। नाउ यहाँ पर क्या होता है, कहानी है ये, इट इज अ स्टोरी कि जब बुद्धा जो है अपनी मदर की वूम में होते हैं तब उनको जो एक सेंट आते हैं वो बोलते हैं कि बुद्धा को दूर रखना किन 4 चीजों से, ओल्ड मैन, सिक मैन, अ कॉर्प्स एंड एन एस्टेटिक, यानी कि बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी, एक मृत आदमी यानी कि डेड बॉडी, एंड एस्थेटिक यानी कि साधु। ठीक है, इन 4 लोगों से इनको दूर रखना। अगर ये 4 लोग बुद्धा के लाइफ में आ जाते हैं या बुद्धा इनसे मिल लेते हैं तो बुद्धा जो है यानी कि सिद्धार्थ जो है वो अपना घर छोड़ के चले जाएंगे, वो अपना घर छोड़ के चले जाएंगे। तो इसीलिए सिद्धार्थ को जो है अपने महल से निकलने की परमिशन नहीं मिलती, और सिद्धार्थ जो है, ये कहानी है दोस्तों, सिद्धार्थ जो है ये अपने घर में ही रहते हैं फॉर द 13 ईयर्स, लेकिन उनको बुद्धा बनना था, यस ही हैड टू बिकम एन एनलाइटेंड, तो वो घर से निकले, वो घर से एक दिन निकले अपने रथ पर अपने चैरियटर चन्ना के साथ, अपने घोड़े कंठक के साथ, एंड यस ही सॉ एन ओल्ड मैन, ही सॉ अ सिक मैन, ही सॉ अ डेड बॉडी, एंड ही सॉ अ एस्थेटिक यानी कि सेंट। अरे भैया इन चारों को देखते ही फेल्ट विथ रिमोर्स, ही गॉट फुल ऑफ रिमोर्स, पता नहीं क्या उनके माइंड में आया। ठीक है, एंड फॉर द इन द सर्च ऑफ द एक्सट्रीम ट्रूथ, बुद्धा जो है अपने घर को छोड़ देते हैं एट द एज ऑफ 29, एट द एज ऑफ 29 बुद्धा अपने घर को छोड़ देते हैं। यस, 16 ईयर्स की एज में उनकी मैरिज होती है, 13 ईयर्स जो है वो हैप्पीली मैरिड लाइफ अपना लीड करते हैं, उनका सन है राहुल, और वो अपने राहुल अपने सन को और अपनी वाइफ को जो है रातों रात वो महल से चले जाते हैं अपने चैरियटर चन्ना और अपने हॉर्स कंठक को लेकर के। ठीक है, इस भैया 29 की एज में वो अपने पैलेस को छोड़ते हैं इन अ सर्च ऑफ ट्रुथ। क्या भैया? इन अ सर्च ऑफ ट्रुथ। ये जो इवेंट है बुद्धा की लाइफ का इसको कहा जाता है द महाभिनिष्क्रमण,
महाभिनिशमन ये एक पाली वर्ड है, इसका इंग्लिश में मतलब होता है द ग्रेट रिनंसिएशन। भैया देखो सीधी सीधी सी बात है, इसको ग्रेट रिनंसिएशन त्याग इसका मतलब है, त्याग अपना पूरा घर बार छोड़ देना, इसको त्याग बोलते हैं, अपना पूरा घर बार छोड़ देना, ठीक है, छोड़ करके वंडरर की तरह जो है घूमना, ठीक है, राजपाट राजमहल, ठीक है, लग्जूरियस लाइफ को छोड़ देना, इसीलिए इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, अ ग्रेट रिनंसिएशन कहा जाता है इन द बुद्धिज्म। 6 साल तक वो एज अ वॉन्डरर जो है इधर से उधर घूमते हैं, और फिर वैशाली में वो मिलते हैं एक सेंट से जिसका नाम है अलारा कलाम, है ना, अलारा कलाम, और इनसे सीखते हैं वो मेडिटेशन टेक्निक। इस मेडिटेशन टेक्निक को रामपुत्र के साथ मिलके जो है और ज्यादा रिफाइन करते हैं, एंड यस फिर वो जाते हैं गया, वो जाते हैं गया, गया में निरंजना रिवर, एक डियर पार्क है वहां पर, सॉरी एक निरंजना रिवर है, ठीक है, वो निरंजना रिवर में वो द बाथ लेते हैं, ठीक है, और पीपल ट्री के नीचे बैठ जाते हैं उरुवेला में, यस गया के पास में उरुवेला करके एक जगह है, यहाँ पर वो बैठ जाते हैं, एंड 49 डेज के कंटिन्यूस मेडिटेशन के साथ 35 ईयर्स की एज में बोध, यस बोध गया, ही बिकेम एन एनलाइटेंड, और उनको कहना शुरू कर देते हैं बोधता, उनको अल्टीमेट ट्रुथ, ही गॉट एन एनलाइटेनमेंट, उन्हें एक्सट्रीम ट्रुथ या अल्टीमेट जो ट्रुथ है उसका ज्ञान हो जाता है, अल्टीमेट ट्रुथ इसका ये ज्ञान हो जाता है ना। ये प्लेसेस इंपॉर्टेंट है, गया में जो है बुद्धा को बोध मिला, बोध मतलब होता है द एनलाइटेंड ब्रह्म ज्ञान, इसलिए इसको बोध गया कहा जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे मिला, तो पीपल ट्री जो है इसको बोधि ट्री कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, बोधि ट्री कहा जाता है, ठीक है, ये चीज। पीपल का पेड़, भैया पीपल का पेड़ बहुत मशहूर है, लोग बोलते हैं इसके ऊपर भूत वास करते हैं। अब देखो भैया बुद्धा जो है 49 डेज तक कंटिन्यूअसली मेडिटेट करते रहे इसी पीपल के पेड़ के नीचे, इसी पीपल के पेड़ के नीचे, है ना, एंड यस दिस ट्री इज वेरी मच पायस इन द बुद्धिज्म, क्योंकि इसे बोधि ट्री कहा जाता है। इस ट्री के नीचे बैठ करके बुद्धा को बोध प्राप्त हुआ, यानी कि ही बिकेम एनलाइटेंड, अल्टीमेट ट्रुथ बुद्धा को मिल गया। अब भैया बुद्धा चल दिए, यस भैया बुद्धा चल दिए एनलाइटेंड होने के बाद, और वो पहुंचते हैं सारनाथ, वो पहुंचते हैं सारनाथ, यस, जो उनके 5 ब्राह्मण फ्रेंड्स हैं जो वो पहले मिले थे, एक डियर पार्क में वो उनको ले जाते हैं, और वहां पर वो देते हैं अपना पहला उपदेश, यस द फर्स्ट सर्मन, दैट इज द फर्स्ट उपदेश, और यही जो उपदेश है इसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, लॉ का जो व्हील है, लॉ का जो व्हील है ये घूमना शुरू हो गया। हमारे नेशनल फ्लैग में बीच में एक व्हील है ना, 24 स्पोक्स के साथ, धर्म चक्र परिवर्तन इसका सिंबॉल है, यस इट इज रनिंग, द व्हील ऑफ लॉ इज टर्निंग। ये पार्ट बुद्धा जो है 80 ईयर्स की एज में, यस 35 ईयर्स की एज में जो है ही बिकेम एनलाइटेंड, और वो 80 ईयर्स तक प्रीच करते हैं, बुद्धा 80 ईयर्स की एज तक प्रीच करते हैं, यानी कि कितने ईयर हो गए, ये हो गए 45 ईयर्स, बुद्धा 45 ईयर्स तक प्रीच करते हैं, और संघ स्टैब्लिश करते हैं, एक नया रिलीजन स्टैब्लिश करते हैं जिसे हम बुद्धिज्म कहते हैं, एक नया सेक्ट इमर्ज होता है यहाँ पर 80 ईयर्स की एज में, मल रिपब्लिक में, साल के पेड़ के नीचे कुशीनगर में 483 BC में बुद्धा जो है निर्वाण प्राप्त करते हैं, और इसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण, यानी कि ग्रेट मोक्ष, यस ग्रेट मोक्ष, ऑलराइट, ये चीज, ठीक है, महापरिनिर्वाण, ओके, तब यहाँ पर बुद्धा की डेथ हो जाती है, ही अटेंड महापरिनिर्वाण, यानी कि ही इज गॉट फ्री फ्रॉम निर्वाण, मतलब निर्वाणा मतलब उनका निर्वाण हो गया, वो चले गए, ठीक है, ये चीज, ओके, ये पार्ट, यानी कि वो जो साइकिल था रीबर्थ का उससे वो फ्री हो गए, यस एंड इट इज द ओनली फिलोसफी, यही फिलोसफी था यहाँ पर, ओके, ऐसा कहा जाता है, ये स्टोरी है, इट इज अ स्टोरी कि बुद्धा की जो डेथ होती है, सबसे बड़ा कारण है कि उनको कोख दिया जाता है ना, पोक दे देते हैं उनको, जो उनके डिसाइपल है चंदा, है ना, वो उनको पोक दे देते हैं खाने के लिए पावापुरी में, और वो गलती से पोक खा लेते हैं, और पोक खाने के बाद में बोलते हैं कि यार बस गलत हो गया, अब वो महापरिनिर्वाण में चले जाते हैं, उनका बॉडी को क्रीमेट किया जाता है, और क्रीमेट करने के बाद जो उनके एशेज है, उनके रिप्रेजेंटेटिव जितनी भी ट्राइबल सोसाइटीज है, एज वेल एज द किंग अजात शत्रु,
एज वेल एज द किंग अजात शत्रु ऑफ मगध, इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर जाते। ना यहाँ पर देखो भैया, किंग है अजात शत्रु, ठीक है, तो बुद्धा क्या हुए, बुद्धा हो गए कंटेम्पोररी। यस, बुद्धा जो है वो हो गए कंटेम्पोररी, किसके कंटेम्पोररी, यानी कि उसी के टाइम को वो बिलोंग कर रहे हैं, किसके, अजात शत्रु, है ना, अजात शत्रु। अजात शत्रु ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट रूलर ऑफ मगध, मगध का राजा था अजात शत्रु, ठीक है। मगध का पहला हिस्टोरियन, पहला हिस्टोरिकल किंग है बिंबिसार। कौन है, बिंबिसार, अजात शत्रु के फादर। यहाँ पर अब भैया बुद्धा जो है अपनी मिशनरी लाइफ एक्टिवेट करते हैं, कैसे, जब उनको जो है एनलाइटनमेंट मिल जाता है, ही बिकेम बुद्ध, ठीक है, बोध ज्ञान प्राप्त होता है। सरनाथ में उनके पांच शिष्य हैं, पांच डिसाइपल हैं, नाम अश्वजीत, उपाली, महामुगलना, सारिपुत्र और आनंद। इनमें से उपाली और आनंद, उपाली और आनंद ये दोनों उनके फेवरेट डिसाइपल है, जिसमें से आनंद सबसे ज्यादा फेवरेट है। यस, आनंद जो है वो सबसे ज्यादा क्लोज है इसके, बुद्धा के, ठीक है, ये चीज आनंद। ऑल राइट, नाउ वैशाली जब वो भ्रमण कर रहे होते हैं, तो वो फेमस कोटेशियन अम्रपाली से मिलते हैं, ही मेट विद द फेमस कोटेशियन ऑफ वैशाली अम्रपाली, और जो कि बुद्धा से मिलने के बाद बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लेती है, ठीक है। प्लस बुद्धा जो है आनंद और गौतमी पुत्र, सॉरी महाप्रजापति गौतमी जो उनकी स्टेप मदर है, उनके इंसिस्ट करने पर एक नंस का ऑर्डर जो है एस्टैब्लिश करते हैं। ना बुद्धा जैसे ही अपना फर्स्ट रिलीजियस सरमन प्रपाउंड करते हैं, फर्स्ट रिलीजियस सरमन देते हैं, तब उसके बाद बुद्धा एक रिलीजियस ऑर्डर, यस, एक रिलीजियस ऑर्डर जो है ये एस्टैब्लिश करते हैं, जिसे बुद्धिज्म कहा जाता है, और संघ ये एस्टैब्लिश करते हैं। संघ मीन्स एक प्लेस, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, ठीक है, जहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क रिसाइड करते हैं, है ना। और यहां पर बुद्धा जो एक स्लोगन देते हैं, बुद्धम बुद्धम धम्मम, नहीं, बुद्धम संघम धम्मम, ठीक है, यस, बुद्धम संघम धम्मम, ठीक है, ये चीज गॉट इट। यहां पर बुद्धा जो है ये स्लोगन देते हैं और संघ स्थापित करते हैं। बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज द बुद्धिस्ट फिलोसफी, तो बुद्धा प्रीच करते हैं, बुद्धा टीच करते हैं, और बुद्धा जो है वो लोगों को उनकी कॉमन भाषा में, यानी कि पाली लैंग्वेज में ही प्रीच करते हैं। नाउ बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं, जितनी भी टीचिंग्स हैं, वो हमारे पास अवेलेबल है इन अ फॉर्म ऑफ पिटक्स। पिटक्स का मतलब होता है बास्केट। ये पिटक जो है ना, इट इज अ पाली वर्ड, और इसका मतलब होता है बास्केट। क्या मतलब होता है इसका, बास्केट, ठीक है। तीन पिटक है, सबसे पहले है विनय पिटक, जो कि मूल रूल्स एंड रेगुलेशन से डील करता है। दूसरा है सुत्त पिटक, जो कि बुद्धा की सेइंग से डील करता है, यानी कि बुद्धा ने क्या कहा, क्या सरमन प्रीच किया। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आनंद जो है उनका, बुद्धा का सबसे फेवरेट डिसाइपल है, तो आनंद कंपाइल करते हैं सुत्त पिटक को, उपाली कंपाइल करते हैं विनय पिटक को, ठीक है। नाउ ये दोनों बुक्स जो है ये बुद्धा की डेथ के बाद कंपाइल की जाती है, बिल्कुल जिस ईयर में बुद्धा की डेथ होती है उसी ईयर में विनय पिटक और सुत्त पिटक कंपाइल की जाती है, ठीक है। तीसरा जो बुक है, दैट इज अभिधम्म पिटक, ठीक है, ये बेसिकली फिलोसफी है बुद्धिज्म की, फिलोसफी है बुद्धिज्म की। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बुद्धा टीच करते हैं, जो बुद्धा प्रीच करते हैं, बुद्धा ने अपनी टीचिंग्स और प्रीचिंग्स में कभी नहीं कहा कि दैट ही बिलीव इन सोल। यस, बुद्धा डिड नॉट बिलीव इन द सोल एंड गॉड, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ द वे, सुप्रीमेसी ऑफ द ब्राह्मण्स एंड द एफिकेसी ऑफ द सैक्रिफाइसेस, एंड द एफिकेसी ऑफ द सैक्रिफाइसेस। बुद्धा बोलते हैं कि भैया देखो, इग्नोरेंस, बिल्कुल इग्नोरेंस, थर्स्ट यानी कि प्यास, अटैचमेंट यानी कि मोह, ठीक है, यही है। इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता, थर्स्ट यानी कि भूख या प्यास, है ना, किसी चीज की, है ना, या फिर अटैचमेंट उस चीज से, मोह, ठीक है, यही है मेन चीजें जो है, इनको हमको रिमूव करना है अपने अंदर से। बुद्धा बोलते हैं कि हमारे इन चीजों को समझा जा सकता है चार नोबल ट्रुथ से। यस, बुद्धा बोलते हैं कि चार नोबल ट्रुथ है। बुद्धा क्या बोलते हैं कि चार नोबल ट्रुथ है जीवन के, लाइफ के, जिनसे हम इग्नोरेंस को दूर कर सकते हैं, अपनी थ्रस्ट को दूर कर सकते हैं, और अटैचमेंट यानी कि मोह से भी दूर हो सकते हैं। क्या है वो भैया, बुद्धा ये बोलते हैं कि देखो, इस संसार में सबसे बड़ा जो
जो प्रॉब्लम है वो है दुख। यस, वो है दुख। दुख का मतलब होता है सौरो, ठीक है। दुख क्यों आता है? दुख आता है डिजायर से, यानी कि थर्स्ट से, यानी कि तृष्णा से, ठीक है। डिजायर भैया, कैसे दुख आता है? कैसे भैया सौरव? अरे यार देखना भाई, ओहो कितने अच्छे कपड़े पहन के घूम रहा है वो यार, कितनी अच्छी बाइक है उसके पास, माय गॉड आईफोन यूज कर रहा है, ओहो यार काश मेरे पास भी होता। तो ये दुख हो गया, दुख हो गया, ट्रस्ट, ठीक है। ये चीज खुदा बोलते हैं कि हम इस सौरव को स्टॉप कर सकते हैं, सौरव को स्टॉप कर सकते हैं। कैसे? बाय फॉलोइंग दी अष्टांगिक मार्ग, बाय फॉलोइंग द एट फोल्ड पाथ, यानी कि अष्टांगिक मार्ग, इसको फॉलो करके हम इस एट फोल्ड पाथ को फॉलो करके अपनी तृष्णा को हटा सकते हैं, ठीक है। अपनी तृष्णा को हटाएंगे और दुख जो है हमारे पास से अपने आप रिमूव हो जाएगा। इसे कहा गया है द फोर नोबल ट्रुथ ऑफ बुद्धिज्म, फोर नोबल ट्रुथ ऑफ बुद्धिज्म। और क्या है? व्हाट इज द एट फोल्ड पाथ? दैट इज लेमन सोडा, वी कैन से दैट द सोडा लेमन, ठीक है। राइट स्पीच, ये शॉर्टकट है दोस्तों याद रखने के लिए। राइट स्पीच, राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डेडिकेशन, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी एंड राइट मेडिटेशन। यस भैया, राइट स्पीच, सच बोलो, हर चीज को अच्छे से देखो। डेडिकेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए, जो भी आप एक्शन लो दैट शुड बी लेजिटिमेट। लाइवलीहुड, अच्छे तरीके से आपको अपना लाइवलीहुड अर्न करना है। आपकी एक्सरसाइज यानी कि आपकी जो भी दिनचर्या है दैट शुड बी इन द राइटियस मैनर। याददाश्त अच्छी होनी चाहिए और यस अच्छे तरीके से मेडिटेशन करो। ध्यान लगाओ सिर्फ गॉड में, ध्यान लगाओ सिर्फ गॉड में। थ्री मेन एलिमेंट्स बुद्धिज्म के आ जाते हैं यहाँ पर, बुद्धम संगम धम्मम। मैंने अभी बताया आपको ये तीन मेन एलिमेंट्स हैं बुद्धा के, बुद्ध खुद, उनका संघ और उनका धर्म, धर्म यानी कि धम्म, ठीक है। ये चीज यहाँ पर, ठीक है। राइट स्पीच, राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डेडिकेशन, ये चीजें। तो ये एट फोल्ड पाथ है। अ पर्सन हैज टू फॉलो द एट फोल्ड पाथ, और इस एट फोल्ड पाथ को मिडिल पाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिडिल पाथ, ठीक है। ये जो है निर्वाण पाने के लिए ना तो ज्यादा एक्सट्रीम है, ठीक है, और ना ही ज्यादा लीनियंट है, ठीक है। ना ही ज्यादा एक्सट्रीम है और ना ही ज्यादा लीनियंट है, एक बीच का पाथ है, ठीक है। नाउ ये मिडिल पाथ है भैया, सच बोलना है, एकदम नॉर्मल सी चीज है यार, सच बोलना है, हर चीज को राइटली ऑब्जर्व करना है, डेडिकेट करना है, एक्शन प्रॉपर होना चाहिए। तो यस, कॉमन मैन जो है काफी ज्यादा अट्रैक्ट हुआ, एंड दिस वाज द मेन रीजन, दिस वाज द मेन रीजन व्हाई बुद्धिज्म बिकेम मोर पॉपुलर देन जैनिज्म, ठीक है। यस, व्हाई द बुद्धिज्म बिकेम मोर पॉपुलर देन जैनिज्म। बुद्धा ने अपने मॉन्क्स के लिए, यस, जितने भी उनके भिक्षु थे, यस, भिक्षु इनको कहा जाता है द बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है। ये लोग रिसाइड करते थे विहार में, इसमें विहार में, विहार क्या थी? दीज आर द केव्स, दीज आर द केव्स, ये रेसिडेंशियल प्लेसेस थी मॉन्क्स के रहने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर मॉन्क्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया। यहाँ पर ये था कि ए मॉन्क ही शुड नॉट स्टील एनी प्रॉपर्टी, ही शुड नॉट कमिट एनी टाइप ऑफ वायलेंस, शुड नॉट यूज इंटॉक्सिकेंट्स, शुड नॉट स्पीक लाई, एंड शुड नॉट इंडल्ज इन द करप्ट प्रैक्टिसेस। ये पांच जो है स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे, स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट था फॉर अ मॉन्क, स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट था फॉर द मॉन्क, ठीक है। ये चीज बुद्धा के ये टीचिंग से, यही बुद्धिस्ट फिलोसफी है। बुद्धा की डेथ हो जाती है, यस, एट द एज ऑफ 80, और उसके बाद जो है उनके कुछ सिंबॉल्स हैं जिनको वर्शिप किया जाता है, जैसे स्तूप है, ठीक है। स्तूप आपने देखा होगा, बुद्धिज्म से रिलेटेड स्तूपास बनाए जाते हैं। ये बेसिकली परिनिर्वाण को बिलोंग करता है, यस भैया, निर्वाण को बिलोंग करता है। ट्री, द बोधी ट्री, इसकी पूजा की जाती है, ये पूजा होता है, ये एनलाइटनमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। एंड चक्र, चक्र, यस, तो हमारे नेशनल फ्लैग में है, वो धर्म चक्र को बोलता है, धर्म चक्र परिवर्तन। तो ये कुछ सिंबॉल्स है, यस, दीज आर सम ऑफ द सिंबॉल्स जिनकी वर्शिप की जाती है। इन सिंबॉल्स को तो है कैरी फॉरवर्ड किया बाद में, जब बुद्धिज्म में स्कीज आता है, इन्हीं सिंबल्स को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो हीनयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है, हीनयानिस्ट, इसको कैरी करते हैं, ठीक है। ये ओरिजिनल टीचिंग है बुद्धा की। बुद्धा, ही वॉज अगेंस्ट आइडल वर्शिप, ही वॉज अगेंस्ट सेक्रीफाइसेस, ही वॉज अगेंस्ट द कॉस्टली रिचुअल्स, ठीक है, यस, इन सब के अगेंस्ट में थे बुद्धा। बुद्धा सिर्फ यही बोलते हैं कि अगर आपको मोक्ष पाना है,
अगर आपको मोक्ष पाना है तो आपको सिर्फ यही एट फोल्ड पाथ, मिडिल पाथ जो है, जिसको हम लोग लेमन सोडा भी बोल के पढ़ के आए हैं, सोडा लेमन, ठीक है, इसको हमको फॉलो करना है। सिर्फ हमको यही एट फोल्ड पाथ जो है ये फॉलो करना है। दिस वॉज द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। लेकिन भैया अब बुद्धा थे जब तक थे तब तक चला, उसके बाद में चेंजेस हो गया। बिल्कुल, बुद्धा ने संघ भी बनाए, संघ में थे मॉन्क्स जिनको भिक्षुस और श्रमण्स कहा जाता है, श्रमण्स, ठीक है, भिक्षु एंड श्रमण्स, और नंस भी है, नंस भी है। भिक्षु जो है ये बेसिकली धम्म के टॉर्च बियरर्स है, ठीक है, यस। संघ के अलावा जो ले वर्शिपर्स हैं, यस, उपासक, दीज ऑल आर द ले वर्शिपर्स, यस, ले वर्शिपर्स, यानी कि ये मॉन्क्स नहीं है, ये श्रमण्स नहीं है, ये भिक्षुस नहीं है, ये ले मैन है, एक कॉमन मैन, ठीक है। यहाँ पर यस, इनको जो है सेलिबेसी जो है मेंटेन करना जरूरी है, चाहे वो नंस हो चाहे वो मॉन्क्स हो, ठीक है, यस, इनको सेलिबेसी यानी कि ब्रह्मचार्य का पालन करना जरूरी है, ये चीज। अब जब बुद्धा की डेथ हो जाती है, तो बुद्धा की डेथ के बाद में वेरियस बुद्धिस्ट काउंसिल्स ऑर्गेनाइज की जाती है। तो जैसे ही बुद्धा की डेथ होती है 483 BC में, यस, 483 BC में, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये ऑर्गेनाइज की जाती है, महाकश्यप, महाकश्यप जो है ये चेयरमैन है, ये बुद्धा के डिसाइपल है महाकश्यप, ठीक है, इनकी चेयरमैनशिप में ये पहली जो है काउंसिल होती है, ठीक है, काउंसिल मीन्स गोष्ठी, ठीक है, ये चीज। किंग कौन है उस टाइम पर? अजातशत्रु, अजातशत्रु, और टू पित्तक्स यानी जो मैंने आपको बताया विनय पित्तक और शुद्ध पित्तक, ये कंपाइल किए जाते हैं। एक और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, इस कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, शुद्ध पित्तक, शुद्ध पित्तक जो है ये बेसिकली बुद्धा की लाइफ को बिलोंग करता है, बुद्धा की सेइंग से रिलेटेड है, तो इसी का पार्ट है जातक स्टोरीज, यस, जातक स्टोरी, जातक टेल्स जो है, जातक स्टोरीज जो है ये उपार आनंद ने लिखी है, ठीक है, यस, और ये बेसिकली बुद्धा की लाइफ के ऊपर बिलोंग है, लाइफ के ऊपर को डेडिकेटेड है, कि किस तरीके से जैसे बुद्धा का जन्म हुआ, बुद्धा का बर्थ हुआ, तो उससे रिलेटेड चीज है, ठीक है। बुद्धा मार्केट में घूम रहे हैं, तो उन्होंने तीन चार चीजें देखी, अ सिक मैन, एन ओल्ड मैन, कॉर्प्स एंड एस्थेटिक पर्सन, तो उससे रिलेटेड है। फिर बुद्धा अपने सरमन प्रीच कर रहे हैं, यस, असम लेडी केम, असम मैन केम, उन्होंने अपने क्वेश्चन पूछे, बुद्धा ने किस तरीके से उनको आंसर दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इन चीजों से जातक टेल्स जो है ये भरी हुई है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है वैशाली में, ठीक 100 साल के बाद, सभा कमी इसको प्रेसाइड करते हैं, कल अशोक वॉज द रूलर, एक कल अशोक हमारे अशोक नहीं है, दूसरे हैं, शिशुनाग डायनेस्टी के ये रूलर है, ठीक है। और यहाँ पर स्थवीरवादिन्स एंड महासंगिकास, इन दो सेक्ट में बुद्धिज्म का स्कीज्म होता है, बुद्धिज्म जो है इन दो सेक्ट में ये बट जाती है, क्या, स्थवीरवादिन्स एंड महासंगिकास, है ना, महासंगिकास। यहाँ पर ये प्रॉब्लम चलती है लगभग लगभग 133 ईयर्स तक, और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि पाटलिपुत्रा में होती है, द ग्रेट किंग अशोक के जो पेट्रोनाइज करते हैं, मोगलीपुत्र तिस्सा जो है, इस मोगलीपुत्र तिस्सा इसे प्रेसाइड करते हैं इस मीटिंग को, इन द ईयर 250 BC। वहां पर ये जो स्थवीरवादिन्स और महासंगिकास है ये एक हो जाते हैं फिर से, और अभिदम्म पिटक जो कि बुद्धिस्ट फिलोसफी को बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है, बुद्धिस्ट फिलोसफी को बिलोंग करता है, ये कंपाइल कर दिया जाता है 72 AD में, वासुमित्र की चेयरमैनशिप में, कनिष्क जब रूलर होते हैं, तब होती है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल एट अ प्लेस कॉल्ड कुंदलवन इन कश्मीर, ठीक है। वाइस चेयरमैन होते हैं अश्वघोष, और यहां पर हीनयान और महायान दो सेक्ट इमर्ज हो जाते हैं। महायान जो है, यस, महायान जो है वो आइडोल वर्शिप को प्रेफर करते हैं, और महायान फॉर्म पूरा सेंट्रल एशिया इंक्लूडिंग चाइना, जापान, कोरिया, अफगानिस्तान, तुर्की एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, यहाँ पर स्प्रेड होता है। हीनयान जो है ये सिर्फ मगध और श्रीलंका में पॉपुलर है, इंडिविजुअल साल्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है, जो बुद्धा के सिंबॉल्स हैं, यस, उन्हीं को ये मान के, और स्क्रिप्चर्स जो है, यस, उन्हीं को जो है ये मान के, सुप्रीम मान के, उन्हीं की वर्शिप चल रही है, ठीक है। थर्ड व्हीकल, यस, दीज ऑल आर कॉल्ड एज द टू व्हीकल्स, दीज आर द व्हीकल्स, इनको व्हीकल्स क्यों कहा जाता है, व्हाई दीज आर कॉल्ड एज द व्हीकल्स, क्योंकि ये व्हीकल्स हैं जो हमारे को लेके जाएंगे निर्वाण की तरफ। निर्वाण, निर्वाण है क्या, इट इज फ्री फ्रॉम
साइकिल ऑफ रीबर्थ। देखो भैया, मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ, आदमी का जो है, आदमी का जो है ना, एक फिलोसफी इस्टैब्लिश हुई। देखो कैसे ये आए, एक फिलोसफी इस्टैब्लिश हुई है। भैया मेरे को दुख है, मेरे को बहुत तकलीफ है। पंडित जी ने हमारा हाथ देखा और बोला, या हमारी कुंडली देखी, बोला कि बेटा तुम्हारे को जो दुख है ना, जो दुख है वो बेसिकली दुख जो है वो तुम्हारे पुराने कर्मों का है। प्रीवियस बर्थ में जो तुमने गलत काम किए थे तुम उनका दुख भोग रहे हो। ठीक है, तो तुमको ये पूजा पाठ करनी है, ऐसा कुछ करना है जिससे क्या होगा कि तुम्हारे जो दुख है ये खत्म हो जाएंगे। ओके है, डन है जी, मैं कर लेता हूँ जी। तो क्या करना होगा, यज्ञ करना होगा। काफी कॉस्टली यज्ञ हो गया, यज्ञ करने के बाद में जो है, उसको ब्राह्मण को जो है, जो पंडित जी हैं, जो प्रीस्ट हैं, है ना, जिन्होंने ये सब सैक्रिफाइसेस, ये सब रिचुअल जो कंडक्ट किए हैं, इनको ढेर सारा दक्षिणा दिया गया। ठीक है, ओके हो गया जी। ठीक है, अब ये आदमी, ये तो क्या है, रिच पर्सन था, है ना, ये तो पर्सन जो था वो रिच था, वो इतना जो है अफोर्ड कर सकता था, तो उसने ये रिचुअल्स, कॉस्टली रिचुअल्स फॉलो कर लिए। लेकिन जो व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, हाउ ही कैन अफोर्ड दिस थिंग, तो क्या वो तो हमेशा दुखी रहेगा अपने जीवन में? तब यहाँ पर ये क्योस एक सोसाइटी में स्टैब्लिश होना शुरू हो गया था दोस्तों। ठीक है, तो क्या वो हमेशा दुखी रहेगा? है ना, वो बोलेगा यार ये क्या बात हुई यार, मैं तो अभी भी दुखी हूँ, इसका मतलब अगर मैं इसी दुख को लेकर अगले जन्म में जाऊंगा तो फिर दुखी हो जाऊंगा, है ना, फिर और ज्यादा दुखी रहूंगा, तो क्या करूं, मर भी नहीं सकता मैं, है ना। तो ये चीज, क्योंकि तो यहाँ पर क्या है, रीबर्थ का जो साइकिल है, ये बार बार चल रहा है। अब इससे हमको छुट्टी पानी है, इसको बोला जाता है मोक्ष, ठीक है, इससे हमको फ्री होना है, इससे बोला जाता है मोक्ष। ये फिलोसफी है बेटा, इट इज अ फिलोसफी, कि ऐसा कहा जाता है, उपनिषद में भी ऐसी लिखी हुई है, इट इज अ फिलोसफी कि दैट आफ्टर डेथ जो हमारी सोल होती है वो एक प्रिमिवल मैन में जाके मर्ज हो जाती है, परमात्मा, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, ये चीज। ठीक है, ये इसे कहा जाता है मोक्ष। अगर वो आत्मा परमात्मा में विलीन नहीं होती तो वो लौट के आती है, और अपने, बिल्कुल, अपने जो भी उसने गलत काम किए हैं उनको भोगना भी होता है ताकि वो प्यूरिफाई हो पाए, अब यहां पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसका है दुख। तब बुद्धा ने ये कहा कि दुख का कारण क्या है, इस दुख का कारण है उसका मोह। ठीक है, उसका अटैचमेंट, उसकी इग्नोरेंस, उसकी थर्स्ट यानी कि तृष्णा। ठीक है, मैं अगर तृष्णा को, इग्नोरेंस को मिटा दूं, मोह को मिटा दे, ठीक है, तो दुख अपने आप मिट जाए, दुख अपने आप मिट जाएगा, हम फ्री हो जाएंगे साइकिल ऑफ रीबर्थ से। भैया, साइकिल ऑफ रीबर्थ से फ्री हो जाएंगे, हमारी जो सोल है वो प्यूरिफाई हो जाएगी, प्योर हो जाएगी, और वो जाके परमात्मा में मिल जाएगी। ये फिलॉसफी, दिस इज अ फिलॉसफी। ठीक है, ये फिलॉसफी है, तो ये व्हीकल है जो कि हमको मोक्ष की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसीलिए ये वर्ड यूज किया गया है यान, इसीलिए ये वर्ड यूज किया गया है यान, महायान यानी कि बिग व्हील, बड़ा पहिया है, ये आपको जल्दी से ले जाएगा। ठीक है, हीनयान छोटा पहिया है, धीरे धीरे जाएगा, ये चीज। ठीक है, ये क्यों, क्या काम भैया, आइडियल वर्शिप है, पूजा करो, है ना, दान दो, दक्षिणा दो, ये चीज है, ये प्रैक्टिसेस आना शुरू हो गई थी यहाँ पर। जो बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट ने जो कोड ऑफ कंडक्ट जो बनाया था वो वायलेट होना शुरू हो गए। और इसी बीच थर्ड यान आता है जिसको हम लोग वज्रयान बोलते हैं। ये बेसिकली मिस्टिसिज्म, तांत्रिज्म, इन चीजों को फॉलो करता है। और ये बिहार और बंगाल में फॉलो होता है। यहाँ पर डाइटरी हैबिट्स, दे कैन कंज्यूम मीट, फिश, वाइन, ये टैबूज जो थे इनको हटा दिया जाता है, फ्रीली कंज्यूम करते हैं वज्रयानिस्ट। और ये पॉपुलर होता है बंगाल, बिहार, तिब्बत रीजन में, तिब्बत रीजन में जादू, टोना, टोटका, ये सारी चीजें जो है बुद्धिज्म में, इस रिलीजन में ये चीजें स्टैब्लिश होना शुरू हो जाती है। गॉट इट, तो ये है हीनयान, महायान एंड वज्रयान के बारे में, और ये थी बुद्धिस्ट फिलोसफी, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो शूद्र थे, जो विमेन्स थी, विमेन्स को भी वर्शिप का राइट्स नहीं था, है ना, तो क्या उनको मोक्ष नहीं मिलना चाहिए, उनके दुखों का कोई निवारण नहीं है ये चीज। यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है, प्लस मान लो कि चलो कोई एक ट्रेडर भी है, तो उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो हेवी कॉस्टली रिचुअल्स को जो है वो परफॉर्म कर पाए। प्लस रिचुअल्स हो रहे हैं तो सेक्रीफाइसेस भी होंगे, सेक्रीफाइसेस का मतलब हो गया बलि देना, दान देना,
है ना ये चीज। अब जब कोई व्यक्ति बलि दे देगा, या जैसे मान लो ड्रॉट एनिमल्स है उनकी बलि दे दी गई, तो खेतों में काम कौन करेगा, एग्रीकल्चर यस उसके ऊपर भी इफेक्ट आना शुरू हो गया। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये रिलीजियस सेक्ट इमर्ज हुए, ये जितने भी रिलीजियस सेक्ट है ना ये इमर्ज हुए। इसीलिए मजे की बात तो ये है कि जितने भी रिलीजियस सेक्ट इमर्ज हुए ना, ये सब क्षत्रियास ने इमर्ज किए हैं सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए, इसीलिए इनको रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कहा जाता है। बोल सकते हो एंशियंट इंडिया का ये रेनेसा पीरियड था, बोल सकते हो एंशियंट इंडिया का ये रेनेसा पीरियड ये पार्ट। लेकिन बुद्धिज्म जो है ज्यादा टाइम तक चला नहीं और फिर बाद में वो डिक्लाइन। जैसे जितने भी ब्राह्मणिकल रिचुअल्स थे, सेरेमनीज थे, आइडल वर्शिप जैसे, खास करके ये सब बुद्धिज्म में आ गए, स्पेशली इन द महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, स्पेशली इन द महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, हिंदुइज्म रिवाइव हो गया यहाँ पर शंकराचार्य जैसे जो प्रीचर्स थे उनकी टीचिंग्स के साथ, है ना 9th सेंचुरी ऑनवर्ड्स में। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर भी भक्ति का सिस्टम आ गया। यस, भक्ति मतलब डिवोशन। यहाँ पर जो रिचुअल्स था उनकी एफिकेसी जो है, उनकी एफिकेसी को जो है निगेट कर दिया गया। संस्कृत अब इंटेलेक्चुअल ने यूज करना शुरू कर दिया इन प्लेस ऑफ द पाली लैंग्वेज। ठीक है, ये चीज। ओके, डिटीरिएशन शुरू हो गई मॉरल स्टैंडर्ड्स की। जैसे बुद्धिस्ट में बुद्धिस्ट संघ थे, बुद्धिस्ट संघ जो थे वो अब एक तरीके से गिल्ड्स में कन्वर्ट हो गए। इसमें कन्वर्ट हो गए गिल्ड्स में, गिल्ड्स यानी कि एक तरीके से एसोसिएशंस में कन्वर्ट हो गए, एसोसिएशंस में कन्वर्ट हो गए। ये व्यापार व्यवसाय में इंडल्ज हो गए, ये पैसा देना मनी लैंड करना एक्सेट्रा 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 इन सब में ये इन्वॉल्व हो गए। बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज जितनी भी हैं ये सब जो है सब करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज होती चली गई। और फिर उसके बाद परसिक्यूशन, यस भैया, हुन हिंग आए मेयर को, जो कि अपने आप को खुद एक पायस ब्राह्मण बोलते थे 6th सेंचुरी BC में, और ये पूरे बुद्धिज्म को ये सेंट्रल एशिया में जो है हुन्स इन लोगों ने जो है परसिक्यूट करना शुरू किया। टर्किश इन्वेडर्स आना शुरू हुए 12th सेंचुरी AD में, और यस ये चीज इस तरीके से बुद्धिज्म डिक्लाइन, इस तरीके से बुद्धिज्म जो है ये डिक्लाइन। गॉट इट? क्लियर है? ये था बुद्धिज्म के बारे में ब्रीफ में, कॉम्प्रिहेंसिवली प्रीलिम्स के हिसाब से। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं आने वाला है ना। यस भैया, यस आलोक कुमार जी सर, यस कैसे हो आलोक कुमार, हाउ आर यू, है ना। प्रीलिम्स में इसके अलावा और कुछ भी नहीं आने वाला। हाँ बोलो भैया आलोक, क्या डाउट है, पूछो जो भी डाउट है खुल के पूछ सकते हो। ठीक है, ये चीज। ओके गाइस, ये बात ठीक है। हाँ भाई बोलो बोलो, टेल मी क्या डाउट है, बोलो। आई एम फाइन भाई आलोक, आस्क द डाउट्स, आस्क मी द डाउट्स सो दैट वी कैन स्टार्ट विद जैनिज्म, है ना। ये चीज जैनिज्म छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से कवर हो जाएगा। फिर हम जैनिज्म से स्टार्ट करते हैं, डाउट नहीं पूछ रहे हो आप तो ना। यू आर नॉट आस्किंग द डाउट्स। चलो भाई जैनिज्म से शुरू करते हैं। ठीक है, जैनिज्म। नाउ जैन ट्रेडिशन में ये बोलते हैं कि भैया जैन जैनिज्म जो रिलीजन है, ठीक है, वैसे तो देखा जाए हिस्टोरिकली और माइथोलॉजिकली तो इसके अलग अलग जगह है ना। हिस्टोरिकली देखा जाए तो पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ एंड फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में महावीर, ये दो जैन के जो है सेंट्स माने जाते हैं। लेकिन अगर हम मिथोलॉजिकली चलें तो मिथोलॉजिकली जैन जो है एकदम रिमोट एंटिक्विटी में, पता नहीं कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। इसमें बोला गया है कि ऋग्वेद में ऋषभ नाम के जो फर्स्ट पर्सन है जो मेंशन किए गए हैं वो है फर्स्ट तीर्थंकर। यस, ऐसा जैन्स क्लेम करते हैं, है ना। बोलते हैं कि भैया इसका हिस्टोरिकल बेसिस तो खैर हमको कुछ मिला नहीं हिस्टोरिकल बेसिस में, और ऐसा कहा जाता है कि देयर वर 22 तीर्थंकर बिफोर द पार्श्वनाथ एंड द महावीर।
पिथुआ, दी पार्श्वनाथ एंड दी महावीर। तीर्थंकर को कहा जाता है द फोर्ड मेकर, ठीक है, फोर्ड मेकर ये कहा जाता है तीर्थंकर को, ठीक है। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जो है ही वॉज अगेन क्षत्रिय, ही वॉज अगेन अ क्षत्रिय, किंग अश्वसेन ऑफ बनारस, इनके ये बेटे हैं, ठीक है। एस्थेटिक है, ही वॉज एन एस्थेटिक एट द एज ऑफ, बिकेम एस्थेटिक एट द एज ऑफ 30, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जो है बुद्धा अपना घर छोड़ देते हैं और 84 डेज के पेनेंस के बाद में ही बिकेम एन एनलाइटनमेंट, ही बिकेम एन एनलाइटनमेंट यानी कि पार्श्वनाथ। मैसेज देते हैं, द पर्सन शुड नॉट इंडल्ज इन नॉन इंजरी, ही शुड नॉट पुट अ लाई, नॉट स्टीलिंग एंड नॉन पोजेशन, ये चीज। ऐसा कहा जाता है कि बंगाल में 100 इयर्स तक रिसाइड करने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ इज अ हाईएस्ट हिल ऑफ राज, हाईएस्ट पीक ऑफ द राजमहल हिल्स, ठीक है, ये चीज है ना, ये बात राजी। ओके, नाउ नाउ कम्स द वर्धमान महावीर, द रियल फाउंडर, वी कैन से दैट द रियल फाउंडर ऑफ द जैनिज्म, रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म इनको कहा जाता है। 540 बीसी में इनका बर्थ होता है। नाउ द पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर, 540 बीसी तो ये किसके कंटेम्पररी हो गए, ही वॉज कंटेम्पोररी, कंटेम्पोररी टू बुद्धा, ठीक है, ही वॉज कंटेम्पररी टू बुद्धा, ध्यान रखना भैया। बुद्धा का कब हो रहा है बर्थ, यस 563 बीसी में, यानी कि जब बुद्धा यानी कि सिद्धार्थ 23 ईयर्स के हैं तब जा करके इनका बर्थ होता है, ठीक है, ये चीज। नाउ इनके फादर का नाम है सिद्धार्थ, जो कि गैंत्रिक क्लैन को बिलोंग करते हैं। अगेन ही वॉज अ क्षत्रिय, यस वर्धमान महावीर, ही वॉज द क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। इनकी मदर है त्रिशिला, जो कि लिच्छवी प्रिंसेस चेतक, वैशाली के जो लिच्छवी प्रिंसेस है चेतक, उनकी सिस्टर है, उनकी सिस्टर है, और रिलेशन आता है बिंबिसार के साथ। क्यों, क्योंकि लिच्छवी प्रिंस चेतक की जो डॉटर है, यस जो डॉटर है वो बिंबिसार की वाइफ है, ठीक है, शी वॉज द वाइफ ऑफ बिंबिसार। तो बिंबिसार और सिद्धार्थ यानी ये वर्धमान महावीर, क्या हुआ इनके बीच में रिलेशन, क्या हुआ, ये हो गए ब्रदर एंड सिस्टर, यस ब्रदर एंड सिस्टर, यस, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया महावीर का बिंबिसार के साथ, जो कि पहला हिस्टोरिकल किंग है। तो वर्धमान महावीर और यशोदा, यशोदा उनकी वाइफ का नाम है, ठीक है, महावीर की, वर्धमान की, और उनकी एक डॉटर होती है जिनका नाम है प्रिय दर्सेना, और जमली है ना, जामली उनके जो है जामली जो है ये उनके सन इन लॉ का नाम है, ठीक है, यस, यानी कि प्रिय दर्सेना के हस्बैंड है जामली, यस। जब महावीर वर्धमान महावीर बनते हैं यानी कि एनलाइटेंड होते हैं, तब पहले डिसाइपल है जामली, फर्स्ट डिसाइपल। नाउ अगेन सेम, एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम, एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम, ही बिकेम एन एस्थेटिक, ठीक है। अब इन्होंने क्यों छोड़ा, इनके पास तो कोई ड्रीम भी नहीं था ना, इन्होंने तो कोई ओल्ड ओल्ड जो है इन्होंने पर्सन को देखा, ना ही सिक मैन को देखा, ना ही एस्थेटिक, ना ही कॉप्स, किसी को नहीं देखा, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, और 13 ईयर्स भटकने के बाद, 13 ईयर्स भटकने के बाद में वो गए जिम्रिक ग्राम, जिम्रिक ग्राम में पहुंचे, वहां पर उनको मिला कैवल्य, ठीक है, उनको मिला कैवल्य, एंड ही बिकेम टू कॉल्ड एज जैना, came to called as Jaina or Jitendra, or he became the Mahavir or the Arihant, इसका मतलब होता है वर्दी, ठीक है, और इनके जो भी followers थे, they came to be known as Jain, came to be called as Jain, 72 years में, 72 years की age में, यानी कि 468 BC में, 468 BC में, यानी कि बुद्धा के बाद पावापुरी में इनको निर्वाण मिलता है, इनको निर्वाण मिल जाता है। वर्धमान महावीर की डेथ के बाद रीन ऑफ चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, यस भैया चंद्रगुप्त मौर्य मगध में आता है एकदम एक सीवियर फेमाइन, और यहाँ पर ग्रेट मॉन्क्स का एग्जोडस शुरू हो जाता है फ्रॉम द गंगा वैली टूवर्ड्स द डेक्कन, यस फ्रॉम द गंगा वैली टूवर्ड्स द डेक्कन। अब क्या होता है, मॉन्क्स, मॉन्क्स का एक सेट जो है भद्रबाहु के अंदर, भद्रबाहु की लीडरशिप में, भद्रबाहु की लीडरशिप में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चला जाता है कर्नाटका। कर्नाटका में एक प्लेस है जिसका नाम है श्रवण बेलगोला, क्या नाम है, श्रवण बेलगोला, वो यहां पर जाकर के रिसाइड करते हैं, और एक सेट ऑफ मॉन्क्स रुक जाता है मगध में, ठीक है, एक रुक जाता है मगध में, ठीक है, ये पार्ट। कब, इन द फेमीन,
जब आता है, ठीक है, ये चीज। माइग्रेशन ही सबसे बड़ा कारण बना जैनिज्म में स्कीज्म का। क्यों? क्योंकि भद्रबाहु, और यहां पर है स्थूल भद्र, यहां पर है स्थूल भद्र, ठीक है, ये चीज। क्या होता है, भद्रबाहु तो चले गए, अब जब वो लौट के आते हैं तो ये बोलते हैं कि स्थूल भद्र जो है ये महावीर जैन की जितनी भी ओरिजिनल टीचिंग्स थी, ओरिजिनल फिलोसफी है, उसको फॉलो नहीं किया, ठीक है। सो इसीलिए ये स्कीज हो जाता है। स्थूल भद्र ये जो मगध में रुक जाते हैं, दे केम टू बी कॉल्ड एज श्वेतांबर, सॉरी श्वेतांबर, ठीक है। और ये जो भद्रबाहु के साथ गए हैं, दे केम टू बी कॉल्ड एज दिगांबर, दे केम टू बी कॉल्ड एज दिगांबर, ठीक है, ये चीज। तो ये स्कीज हो जाता है। भद्रबाहु हु लेट द इमिग्रेंट्स इंसिस्टेड ऑन द रिटेंशन ऑफ द रूल ऑफ द न्यूडिटी, न्यूडिटी विच महावीर हैड एस्टैब्लिश। यस भैया, महावीर, वर्धमान महावीर 12 इयर्स के पेनेंस के बाद जो है, बिल्कुल वस्त्र सारी चीजें त्याग देते हैं, ठीक है, जिम्बिक्राम में वो एक रिवर में जो है डिप करते हैं, होली डिप करते हैं, एंड देन ही सेट इन अंडर द ट्री, साल ट्री, और वहां पर उनको मिलता है अरिहंत निर्वाण, वहां पर उनको मिलता है एनलाइटनमेंट, ठीक है, एंड बिकेम जैन, ठीक है। तो ये चीज, स्थूल भद्र जो कि फॉलोअर हैं, जो कि वही नॉर्थ में रुक जाते हैं, वो है व्हाइट गारमेंट्स को पहन रहे हैं, ठीक है, ये चीज, व्हाइट गारमेंट्स को पहन रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन है, हार्डशिप है इसका। और यहाँ पर इनके ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं स्थूल भद्र पे, कि ही डिडंट रिटेन द ओरिजिनल सेइंग्स ऑफ द जैन, वर्धमान महावीर। सो यहाँ पर स्कीज हो जाता है। स्थूल भद्र बन जाते हैं दिगाम्बर, दैट इज द स्काई क्लैड और द नेकेड वन, और द फिर बनते हैं श्वेतांबर, दैट इज द व्हाइट क्लैड, दैट इज द व्हाइट क्लैड, जो कि सफेद कपड़ा पहनते हैं, ठीक है, ये चीज। तो ये स्कीज हो जाता है जैनिज्म। वर्धमान महावीर टीचिंग्स भी जस्ट लाइक सेम दैट ऑफ द बुद्धिज्म, ही ऑल्सो रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइसेस, ठीक है। उन्होंने कहा कि भैया हर ऑब्जेक्ट पजेसेस सोल एंड कॉन्शियसनेस, ठीक है, ये चीज। तो स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, भैया यहाँ पर नॉन वायलेंस एकदम स्ट्रिक्ट हो गया। यूनिवर्सल सोल का जो कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ पर भी रिजेक्टेड है यार, परमात्मा जैसी जो चीज है ना, ये वो भी यहाँ पर रिजेक्टेड है। लेकिन उन्होंने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को कभी डिनाई नहीं किया, ठीक है, ये चीज, कभी डिनाई नहीं किया जैनिज्म ने, ठीक है। बुद्धिज्म ने गॉड को डिनाई कर दिया, लेकिन यहां पर जैनिज्म ने एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड को डिनाई नहीं किया, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंस भी नहीं दी। गॉड जितने भी हैं वो सब जिन, यानी कि ये जो जैन जो जिन बने हैं, इन सबसे जो है ये नीचे हैं। और उन्होंने कहा कि भैया एक कोई भी मॉन्क है उसको 5 अनुरथ्स, जितने भी हैं 5 अनुरथ्स ये फॉलो करने हैं। अब 5 अनुरथ्स है क्या, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, अनुरथ्स ये देखो, ये है अनुरथ्स, ठीक है, यस, 5 अनुरथ्स जो है, 5 अनुरथ्स क्या है, ये मैंने अभी आपको बताया, नॉन इंजरी पहला अनुरथ है ना, यस, नॉन इंजरी, नॉन इंजरी, ठीक है। दूसरा क्या है, नॉट टू टेल लाई, नॉट टू टेल लाई है ना। तीसरा क्या है, नॉट टू स्टीलिंग, नॉन स्टीलिंग है ना। चौथा क्या है, नॉन पोजेशन, नॉन पोजेशन, ठीक है, ये चीज। नॉन इंजरी मतलब अहिंसा, नॉट टू टेल माइंस असत्य, ठीक है, नॉट टू स्टीलिंग मतलब असत्य, और ये अपरिग्रह। पांचवा जो था ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचारी ये जो है वर्धमान महावीर जोड़ देते हैं, ब्रह्मचार्य ये वर्धमान महावीर जोड़ देते हैं। भद्रबाहु की डेथ के बाद में स्थूल भद्र जो है एक ग्रेट काउंसिल पाटलिपुत्रा में कंडक्ट करते हैं, एक काउंसिल पाटलिपुत्रा में कंडक्ट होती है, और ये काउंसिल में इसको कहा जाता है द फर्स्ट जैन काउंसिल, जो कि 3rd सेंचुरी BC की स्टार्टिंग में होती है, और जैन लिटरेचर्स यहाँ पर कंपाइल किए जाते हैं, ठीक है। दिगंबर जो है ये इन सब कैनन्स को जो है रिजेक्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि ओरिजिनल वन जो है वो खो चुके हैं और नया डिवाइस करना है, यस, नए जो है कैनन्स की स्क्रिप्चर्स को डिवाइज करना है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वल्लभी में होती है 5th सेंचुरी AD में, है ना, 12 अंग्स और 12 उपंग्स ये कंपाइल किए जाते, ठीक है, ये कंपाइल किए जाते। इससे ज्यादा जैनिज्म में और कुछ है भी नहीं। जैनिज्म में 3 ज्वेल्स हैं जिनको 3 रत्न कहा जाता है, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड द राइट कंडक्ट, ये 3 काफी इंपॉर्टेंट है। दीज आर कॉल्ड एज द 3 ज्वेल्स ऑफ द जैनिज्म, ठीक है। और जैनिज्म के डिक्लाइन के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर द कंसेप्ट ऑफ अहिंसा, एक्सट्रीम फॉर्म में,
एक्सट्रीम फॉर्म में, ठीक है, और किंग्स का पैट्रोनेज भी नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि अहिंसा है ना, यहाँ पर एक्सट्रीम फॉर्म में अहिंसा आ गई। तो इसीलिए जो है जैनिज्म ज्यादा तेजी से ग्रो भी नहीं करता, यस ज्यादा तेजी से ग्रो भी नहीं करता, ज्यादा फॉलोअर्स भी नहीं है, लिमिटेड है ये चीज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम फॉर्म में अहिंसा का पालन किया जाता है। आपने देखा होगा जैन मॉन्क्स अपने मुंह के आगे कपड़ा लगा के रखते हैं, कोई मास्क जैसा पहन के रखते हैं ताकि जर्म्स उनके मुंह में ना चले जाए, बिकॉज दे सेड कि हर चीज में सोल है, इवन दिस पेन हैज ऑल्सो अ सोल, ठीक है, ये चीज वो ये भी कहते हैं, इस पेन में भी सोल है ना, इसको भी हमको जोर से नहीं पटकना है, तोड़ना नहीं है, ये दिस इज व्हाट द जैनिज्म फिलोसफी सेड। ओके गाइस, ये चीज तो ये है सब कुछ हमारा जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में, ठीक है। तो चलो भाई थोड़े से क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बुद्धा हिमसेल्फ लर्न द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन एंड अटेन एनलाइटनमेंट। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट फिलोसफी डिजायर इज द मेन कॉज ऑफ सोरो, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। चलो भाई फटाफट से, राजेश जी हेलो बेटा कैसे हो, राजेश कुमार मौर्य, आलोक कुमार, आलोक भाई तुमने डाउट नहीं पूछा यार, डाउट तो था तुमने बोल तो दिया सर मुझे डाउट है, पर तुमने पूछा ही नहीं यार। क्या हुआ, यस कि तुमने पूछा और मुझ तक पहुंचा ही नहीं। चलो भाई इसका आंसर तो फटाफट से, बुद्धा हिमसेल्फ लर्न द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन एंड अटेन एनलाइटनमेंट। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी डिजायर इज द मेन कॉज ऑफ सोरो, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। यस भैया मैंने अभी बताया था, बुद्धा को मेडिटेशन टेक्निक कौन सिखाते हैं, अलारा कलाम है ना, एंड रामपुत्र है ना, रामपुत्र ये उनको मेडिटेशन सिखाते हैं। तो भैया आप हिमसेल तो सीख ही नहीं है ना, तो ये क्या हुआ, गलत हो गया। और यस बुद्धिस्ट फिलोसफी में डिजायर कृष्णा है ना, थर्स्ट यही मेन कारण है सौरव का यानी कि दुख का, है ना, यस भैया यही मेन कारण है, तो इसीलिए बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कंथक वाज द नेम ऑफ बुद्धास हॉर्स, बुद्धा लेफ्ट हिज होम एट द एज ऑफ 29 एंड दिस इवेंट इज नोन एज महापरिनिर्वाण, दिस इवेंट इज नोन एज महापरिनिर्वाण। चलो भाई फटाफट से इसका आंसर लगाओ, गुड जल्दी क्विकली, यस। अरे भाई दो आंसर दो भैया, आंसर तो दे दो, कंटक बिल्कुल सही है भैया, उनके बुद्धा के हॉर्स का नाम था, और यस उन्होंने 229 एज में अपना घर छोड़ा था, लेकिन इसको महापरिनिर्वाण नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण ठीक है ये कहा जाता है, तो इसीलिए ये गलत हो गया, ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि हमने क्या पूछा है, हमने यहाँ पर पूछा है करेक्ट, ठीक है। अरे भाई आंसर तो दो भाई, 5 लोग देख रहे हो अभी अपने इसने अपने इस वीडियो को, तो ज्यादा क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दोगे तो मजा कैसे आएगा, आप लोगों को भी कैसे आपका पार्टिसिपेशन कैसे होगा भाइयों, है ना, यस पार्टिसिपेशन तो लो करो, इसमें आंसर दो फटाफट फटाफट, कम ऑन गाइस बी क्विक गाइस। बुद्धा गॉट एनलाइटनमेंट अंडर द साल ट्री ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ऋतुपालिका, बुद्धा गॉट एनलाइटनमेंट अंडर द साल ट्री ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ऋतुपालिका, मिडिल पाथ थ्योरी वॉज प्रपाउंडेड बाई गौतम बुद्ध टू अटेन निर्वाण, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, इज और आर करेक्ट, यस इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। यस गाइस कम ऑन क्विक, बुद्धा गॉट एनलाइटनमेंट अंडर द साल ट्री, एनलाइटनमेंट नहीं भैया ये कौन सी थी, पीपल ट्री,
है ना, इसी को हम लोग बोधि ट्री बोलते हैं, तो ये गलत हो गया है ना, ये गलत हो गया है ना ये चीज। मिडिल पाथ थ्योरी वाज प्रोपोंड बाय गौतम बुद्ध व्हाट इन निर्वाणा, यस ये सही है, एट फोल्ड पाथ, एट फोल्ड पाथ। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट क्या हुआ, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। अश्वमेध सेक्रीफाइसेस वॉज मेंशन इन द ऋग्वेद बट गेन इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग द लेटर वैदिक फेज। वाजपेयी सेक्रीफाइसेस मेंशन इन द ऋग्वेदिक बस वॉज मेंट फॉर रॉयल प्रिंसेस। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, ये थोड़ा वैदिक एज से रिलेटेड है क्वेश्चन है ना। यस कम ऑन भाई, आंसर दो फटाफट से, यस कम ऑन बी क्विक गाइस। अरे भैया अश्वमेध यज्ञ जो है ये ऋग्वेद में मेंशन था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था। ये सब आए यज्ञ जितने भी वो सब लेटर वैदिक फेज में आए थे। वाजपेयी सेक्रीफाइसेस भी जो है ये भी ऋग्वेद में मेंशन नहीं है, इसीलिए इसका आंसर डी है, नीदर वन नॉर टू आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन द इवेंट इन द हिस्ट्री इज नोन एज, इज कॉल्ड एज, इस इवेंट को हिस्ट्री में क्या कहा जाता है। कम ऑन गाइस, कम ऑन दोस्तों, पार्टिसिपेट करो भाई इसमें एमसीक्यूज में, यस मजा नहीं आएगा, जल्दी यस कम ऑन। यस कम ऑन गाइस, यस भैया भैया बिल्कुल भैया, जब बुद्धा पहला सरमन देते हैं उसे क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन, सी इज द राइट आंसर, धर्म चक्र परिवर्तन ये चीज है। ठीक है, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट तीर्थंकर इन जैनिज्म वॉज पार्श्वनाथ, बोथ पार्श्वनाथ एंड वर्धमान महावीर बिलोंग टू क्षत्रिय वर्णा, कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यस कम ऑन गाइस बी क्विक, यस गाइस बी क्विक। फर्स्ट तीर्थंकर इन जैनिज्म वॉज पार्श्वनाथ, नो इट वॉज ऋषभ देव है ना, इट वॉज ऋषभ देव। ठीक है, बोथ पार्श्वनाथ एंड वर्धमान महावीर बिलोंग टू क्षत्रिय वर्ण, यस ये सही है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस रिलीजियस सेक्ट ड्यूरिंग 6th सेंचुरी AD। फैक्टर्स हमको पता लगाने हैं, कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं, द एक्सपेंसिव रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, रिजिडिटी ऑफ कास्ट सिस्टम, ग्रोथ ऑफ संस्कृत लैंग्वेज ऑफ पलीट एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी विच वॉज स्टैब्लिश्ड। यस वेरी गुड, बहुत अच्छे, चारों करेक्ट हैं, यस भैया बहुत अच्छे, चारों करेक्ट हैं, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉजेस फॉर डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। अ ग्रेट फेमीन अकर्ड इन नॉर्थ इंडिया विच लेड टू डी जनरेशन ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क्स, करप्शन इन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं, कौन कौन से करेक्ट कॉजेज हैं, फैक्टर्स हैं जिससे बुद्धिज्म डिक्लाइन हो गया इंडिया के अंदर। यस द बुद्धिज्म वॉज डिक्लाइंड, कम ऑन गाइज बी क्विक। वेरी गुड भैया, ऐसा तो फेमीन के टाइम पे तो कुछ था ही नहीं, जिससे फेमीन हो तो वन हट जाएगा, तो वन एलिमिनेट कर दो, यानी कि ये नहीं होगा आंसर, बी होगा राइट आंसर, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड द करप्शन इन बुद्धिस्ट मोनेस्टरीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्धमान महावीर वॉज कंटेम्पररी टू गौतम बुद्ध, बुद्धिज्म बिकेम मोर पॉपुलर देन जैनिज्म ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी एंड द कंसेप्ट ऑफ मिडिल पाथ, यस द कंसेप्ट ऑफ मिडिल पाथ। हेलो भाई कौन कौन से इसमें राइट आंसर है, कम ऑन गाइस बी क्विक। यस कम ऑन गाइस बी क्विक,
बी क्विक गाइस, यस बी क्विक, यस बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, वर्धमान महावीर कंटेम्पररी द गौतम बुद्ध के, एंड जैनिज्म से बुद्धिज्म ज्यादा पॉपुलर था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्ध हिज रिलिक्स वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मॉन्क्स एंड पैटर्न किंग्स। वर्धमान महावीर गेव द कंसेप्ट ऑफ फाइव अनुव्रतास फॉर अटेनिंग सल्वेशन, इनमें से कौन कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यस भैया बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ फाइव अनुव्रतास वाज नॉट गिवन बाय द महावीर, बल्कि पार्श्वनाथ ने दिया था फोर, और एक जो है वर्धमान महावीर ने जोड़ा था। लेकिन यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है, गौतम बुद्ध की डेथ के बाद में उनके जो रिलिक्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे पैटर्न किंग्स और मॉन्क्स के बीच में, तो ए इज द राइट आंसर। सो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, एंड होता है तो दोस्तों मैं अभी भी कहूंगा आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करो, क्योंकि उससे आपको बेनिफिट मिलता है ढेर सारी स्पेशल क्लासेस का, अनअकैडमी कॉम्बैट का, लाइव टेस्ट सीरीज का, क्विजेस का, ये सब फ्री है। यस ऑल दीज आर द फ्रीबीज जो आपको अनअकैडमी ऐप के ऊपर मिल जाती है, अनअकैडमी ऐप के ऊपर मिल जाती है। बस करना क्या होता है, अमित मोदी रेफरल कोड यूज करके आपको इन फ्रीबीज को एक्सेस करना होता है ऐप डाउनलोड करने के बाद, बस और कुछ नहीं होता। ये इनवाइट कोड है बेसिकली, इट इज एन इनवाइट कोड, बस आपको ये डालना है और इन फ्री बीज को एक्सेस करना है फ्री के अंदर। तो दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपीएससी अमित मोदी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें। अमित मोदी कोड यूज करके आप मेरे इस प्रोफाइल को एक्सेस कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप के ऊपर, लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद सारे फ्री लाइव सेशंस आपको मिलेंगे, प्लस ये भी कोड यूज करके आप लोग 10% का डिस्काउंट पा सकते हो इन योर फी स्ट्रक्चर। यस इन द फी स्ट्रक्चर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कीजिए और 10% का आप डिस्काउंट पाइए। सो गाइज थैंक यू वेरी मच, हम लोग नेक्स्ट सेशन के लिए फिर मिलते हैं।